तो सभी YouTube परिवार को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय सीताराम, जय सीताराम। तो कल हम लोग लाइव आए थे तो एक कमेंट था और उन्होंने कई बार कमेंट किया था कि दीदी हमें ढोलक सीखनी है आपसे, तो हम 2 मिनट ढोलक बजा कर दिखाएंगे और उनको बहुत पसंद आई थी हमारी ढोलक, तो हम ढोलक बजा कर दिखाएंगे और बाकी चर्चा हम आपको बताएंगे कि आज हमने ये ब्लॉग किस लिए बनाया है। ठीक है, तो आप सभी वक्त पहले ढोलक देखिए। मेरी शुरुआत ऐसे होती है, मकद्दर कंबल में सुख क्या है ये काले भोरों से पूछो, जल बिना मीन मर जाती है ये प्रश्न जाके मछलियों से पूछो, बिछड़ने का दर्द क्या होता है ये जाकर किसी प्रेमी से पूछो, भगवान की भक्ति में सुख कितना है ये जाकर किसी वृंदावन के संतों से, रसिकों से पूछो। तो बोलो राधे राधे। तो ये जो कमेंट आया है, कैलाश शास्त्री नाम से इनकी आईडी शो कर रही है, तो बहुत ही सुंदर सा भजन है वो, सॉरी कमेंट है। तो किस किस को ये कमेंट अच्छा लगा कमेंट करके बताएं, और हमें भी बहुत अच्छा लगा और आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कैलाश शास्त्री जी, आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और भी कई सारे बहुत सारे कमेंट आ रखे हैं। राधे राधे, हमें तो आप गौरी लक्ष्मी और सरस्वती की तरह लगती हैं। ये देखो, ये भी एक कमेंट है, कितनी सुंदर इनकी भावनाएं हैं। और इनकी आईडी शो हो रही है मनोज लीजा, चलो ये ना पर ये ना आओ पंखुरी पंखुरी मनोरंजन, इनकी आईडी शो हो रही है पंखुरी मनोरंजन के नाम से। इनकी जो आईडी है वो शो हो रही है पंखुरी मनोरंजन के नाम से। देखो कितना प्यारा कमेंट किया है इन्होंने। राधे राधे, हमें तो आप तीनों बहनें गौरी लक्ष्मी और सरस्वती के जैसी लगती हैं। तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है आपके लिए, आपके इतने अच्छे विचार हैं, जब आप हमें इतना अच्छा बोल रहे हो तो आपके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। तो इतना प्यारा कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ऐसी विनती करती हूँ आपसे कि आप हमेशा हमारे साथ इसी तरह जुड़ी रहें। बहुत अच्छा लगा हमें आपके कमेंट को पढ़ के। और एक कमेंट आया है हमारे पास मानस प्रेमी चैनल से। तो मानस प्रेमी जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारा आपका हमारे चैनल में। तो पहले तो आपके लिए राधे राधे, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सबसे पहली बात तो मैं ये बताऊंगी कि जो आप ढोलक बजाती हो वो इतना अच्छा लगता है मुझे, बहुत अच्छा। दूसरा, आपकी आवाज़ इतनी अच्छी है, बहुत सुंदर। और तीसरा, भजनों का तो कोई कहना ही नहीं है, जो आप भजन सुनाती हो उनके तो हम बता ही नहीं सकते, शब्द ही नहीं है हमारे पास, शब्द कम है हमारे पास। सबसे अलग भजन होते हैं। हाँ, बहुत प्यारे भजन गाते हो आप मानस प्रेमी करके। तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। और मैंने एक दोस्ती का हाथ भी बढ़ाया है आपकी तरफ। अगर हमारे आप इस ब्लॉग को देख रही हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसा लगा आपको। और मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ कि आप हमेशा हमारे साथ जुड़ी रहें, और कभी किस्मत मौका देगी तो मिलेंगे भी हम आपसे, मिलना चाहेंगे, क्योंकि बहुत पसंद करती हूँ मैं आपके भजनों को, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं आपके भजन, और मैं गाती भी हूँ आपके भजन। राधे राधे, राधे राधे।
राधे राधे। जो मानस प्रेमी वाली जो दीदी हैं उनके लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण हम तीनों बहनों की तरफ से, और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। और कितने गर्व की बात है हमारे लिए जो हम आपस में दोनों बहन जुड़ी, क्योंकि हम दिल से पहले से ही आपसे बहुत प्रेम करते थे। सच में ये तो ठाकुर जी हैं हमारे जो हमको आपसे मिला दिया। कैसे मिल गए दोनों, और दोनों की भावनाएं, बातें, मन की जो बातें एक जैसी मिली। देखो बातों के जरिए जैसे कम है, आपने जैसे बातें करी हमसे तो हमें आपकी बातें बहुत अच्छी लगी, और हम दिल से धन्यवाद करते हैं आपसे आपके लिए बार बार। और आपका हृदय की तो कह ही नहीं सकते, हृदय आपका मन इतना बड़ा है कि बस बता ही नहीं सकते कि जो आप सबके लिए इनवाइट करते हो भजन के लिए, कि आप कोई भी गाओ मेरे भजन को, तो जो आप गाते हो भजन उसका तो मतलब धर्म का काम आप कर ही रहे हो, लेकिन जो आपने सबके लिए बोल रखा है, तो कहते हैं ना एक राम का नाम से राम राम करते हैं, राम एक बार हमने बोली एक बार सामने वाले ने बोली, तो एक बार हमने बोली तो वो और सुनने वालों को अलग फ़ायदा मिला। तो जो आप भजन गा रहे हो उसको हम सब सुन रहे हैं, वो अलग धर्म का काम है आपका, और जो सब गा रहे हैं आपके भजनों को सुनकर, तो वो देखो कितना बड़ा धर्म का काम है। आप तो भाई महान हो सच में, बहुत बड़ा दिल, इतना बड़ा दिल शायद ही किसी का होगा। और ऐसे जैसे आपकी जो मतलब मैंने ऐसे जल्दी से चैनल देखे नहीं है कि आप भी गाओ ऐसे खुल के जल्दी से बोलना किसे, मतलब बोलते हैं तो सभी, मतलब भजन तो सभी एक दूसरे के गाते हैं और गा भी रहे हैं, लेकिन जो आप बोल रहे हो वो आपका सच में ही बहुत बड़ा हृदय है आपकी। मेरे पास शब्द नहीं है, मैं और क्या बोलूँ आपके लिए, तो सच में आपका दिल से हम धन्यवाद करते हैं। और आपकी हम छोटी बहन हैं, आपसे बहुत ही प्रेम करते हैं। अगर आप हमारे इस कमेंट को देख रहे, इसको ब्लॉग को देखो तो रिप्लाई जरूर करना, हम इंतजार करेंगे। कमेंट करके जरूर बताना अगर आपने हमारा ये ब्लॉग देखा है, क्योंकि मैं इसकी हेडिंग में भी कुछ ना कुछ आपके थ्रू लिखूंगी, तो आप जरूर देखना। और जो हमारे भक्त यूट्यूब से जुड़े हुए हैं जो देख रहे हैं इस ब्लॉग को, आप उस चैनल पर जाके मानस प्रेमी बहुत ही प्यारे भजन गाती हैं, बहुत बस उनके भजनों का तो जवाब ही नहीं है, बहुत सुंदर जुड़े हुए हैं वो, जाए उनके पास, उनके चैनल पर जाए, तो आप जैसे हमें प्यार दे रहे हो उनको भी दीजिए ऐसे ही। सबसे बड़ी बात है वो भजन खुद लिखती हैं, खुद लिखती हैं, किसी के लेती नहीं, लिखती हैं। देखो कितनी बड़ी बात है, खुद लिखती हैं और लेकर गाती हैं, और ये बोलती हैं कि आप, और फिर धर्म का इतना बड़ा प्रचार कर रही हैं कि आप भी गाओ गाओ, कितनी बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है जी, बहुत बड़ी, इसे कहते हैं। तो हम तो बहन आपको दिल से धन्यवाद करते हैं कि आप जैसी इतनी अच्छी बहन से हम मिले और जुड़े, तो ठाकुर जी को बार बार कोटि कोटि नमन करते हैं सच में। और कैसी हैं आप, नोएडा से है ना, आपने बताया था कमेंट में कि आप नोएडा से हैं, और हम भी दिल्ली से हैं, और स्पेशल आपके लिए हम ये ब्लॉग बना रहे हैं क्योंकि मतलब सोच रहे हैं कुछ बातें जो दिल में बनी हुई है बार बार कमेंट में क्या लिख कर भेजें, ऐसे बोल रहे हैं आप सारी बातें सुन लोगे हमारी तो अब तो हम बहन बहन हो गए ना, आप नोएडा से हम दिल्ली से हैं, नोएडा और दिल्ली तो पास पास ही है दोनों, है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद है आपके लिए, और जो हमारे यूट्यूब फैमिली है सबके लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण। और कैसे हो हमारा परिवार, और हम तो हमारी जो ममता जी हैं, शिवानी शिव कुमारी जी हैं, और हमारी एक रीतिका प्रजापति हैं, और हमारे एक पवन शास्त्री जी हैं, एक हमारे कैलाश शास्त्री जी हैं। तो जो हमारा यूट्यूब परिवार है सभी भक्त कैसे हैं कमेंट करके जरूर बताना, और हमें इंतजार रहता है आप सभी के कमेंटों का, क्योंकि आप कंटिन्यू कमेंट करते हो, आप हमारे हर वीडियो पे, हर ब्लॉग पे सबको देखते हो, हमारे हर चीज में साथ देते हो। तो आप सभी भक्त कमेंट करके जरूर बताएं कैसा लग रहा है आपको। और जो भैया जो बहन ढोलक की कह रही थी, मैंने ढोलक भी बताई है, तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कैसी लगी, ठीक है। तो दो लाइन हो जाए इसी के साथ, दो लाइन हो जाए बहुत ही सुंदर सी। मुरली वाले श्याम की जय हो।